Hello guys, my name is Aditya and I'm currently pursuing first year MBBS at Government Medical College Bethia. और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में भी आज मैं स्टार्ट करूंगा रे ऑप्टिक्स. और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये नीट में काफी पूछा जाता है इससे सवाल और काफी एक तरह से करने तो इंटरेस्टिंग भी है. और मेरा देखिए पढ़ाने का तरीका ये रहेगा दोस्तों कि मैं ज्यादा बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा और मेरा मेन फोकस 2020 नीट के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा. और तो इसमें मैं आप लोगों को ज्यादातर बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए. मैं ज्यादातर क्वेश्चंस करवाऊंगा और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कुछ अपने शॉर्टकट्स या मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्रोच क्या रहती थी मैं उसके कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को देना चाहूंगा. और हम लोग जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो मैं स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स बताऊंगा अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस. सो लेट मी गो थ्रू इट. सो फर्स्ट थिंग इज कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज होता क्या है. तो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. इंसिडेंट रेज के अगर इंटरसेक्शन होता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ऑब्जेक्ट फिर दो तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो रियल ऑब्जेक्ट जो होता है जब इंसिडेंट रेज जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो अगर डाइवर्जिंग हो तो फिर उसे रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये देखिए ये अगर इस तरह हो ये जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा. हालांकि हर टाइम ऐसा नहीं होता, कभी कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी फॉर्म होते हैं. जैसे कभी कोई इमेज बन रहा है मिरर के उस तरफ और उस पे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं. अगर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब इंसिडेंट रेज जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो अगर कॉन्वर्जिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट. होता क्या है कि जैसे अगर आपके पास दो मिरर का केस है, इस तरह करके दो मिरर है और इसके मिरर का इमेज अगर यहां बना तो ये इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो देखिए कि इसका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कन्वर्ज कर रहा है तो और इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा. तो ये सब कुछ बेसिक्स है जो कि आप जानते ही होंगे. और उसके बाद फिर इमेज को चलते हैं. तो इमेज होती है दोस्तों, इमेज की अगर बात की जाए तो अगर इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज अगर होती है को हम लोग कहते हैं इमेज. इमेज फिर अगेन दो तरह की होती है, एक रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज. रियल इमेज मतलब जो जहां पर इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअली हो रहा है तो उसे हम रियल इमेज कहेंगे और अगर एक्चुअली नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे. ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में, बट ये उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है. पर तो हम लोग आगे चलते हैं इससे. तो गाइस हम लोग सीधे चलते हैं कि प्लेन मिरर्स रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स की अगर हम बात कर रहे हैं. हम लोग प्लेन मिरर्स के रिफ्लेक्शन में जो क्वेश्चंस अगर आते हैं अगर कहीं से तो बेसिकली इन पॉइंट्स से आते हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूं. तो मतलब देखिए सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी यही है कि उनकी साइजेस इक्वल होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है,
ये सब तो काफी सिंपल सी चीज है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली वेलोसिटी से आ सकते हैं और कुछ कुछ चीजें से आ सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज देखिए दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज डिवाइस इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा थोड़ा लाइटिंग्स के रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस में जैसे कि मैं ये एक मिरर बनाता हूँ जो कि एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में हम लोग जैसे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसकी इमेज भी यहाँ बनेगी इमेज। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग किस पर देखते हैं कि जो इस तरफ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। जैसे मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बात की जाए, जैसे ये तो अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या कि ये इसमें इस पूरे सिनेरियो में अगर इधर की वेलोसिटी ली जाए तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और इधर की वेलोसिटी ली जाए तो वो नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। तो और जो इमेज की वेलोसिटी होगी, इमेज की, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होगी अगर इस प्लेन में बात की जाए तो। और अगर ये वर्टिकल प्लेन में बात की जाए, तो वर्टिकल में जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह है कि डायरेक्शन ये है, तो इमेज की डायरेक्शन हमेशा उसके साथ ही होगी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स के रूप में बात करें, तो अगर ये मान लीजिए कि इमेज की वेलोसिटी की जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखे, मान लीजिए कि ये 3i है, ये 4j है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी जो कि u होगी, वो होगी 3i+4j कैप, ओके, ये होगी। लेकिन इमेज की जो होगी वो वाई एक्सिस में तो सेम रहेगी, ये 4j ही रहेगी, बट जो एक्स एक्सिस है उसमें ये -3i कैप हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो जाएगी -3i+4j कैप, ओके। तो ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की कोऑर्डिनेट्स होगी। इसमें कुछ अलग अलग तरह के एग्जांपल्स बन सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है कि ये मिरर कहीं मूव कर रहा हो सकता है कि ये मिरर इधर मूव कर रहा हो या इधर मूव कर रहा हो, तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इसके इसको प्लस मान लेना है, इसको माइनस मान लेना है, इसको प्लस मान लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लीजिए कि ये v है, v वेलोसिटी है, तो और अगर यहाँ पर ये 0 मान लीजिए ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे रखा हुआ है, इसके मिरर की वेलोसिटी अगर मान लीजिए इधर जा रही है, तो आपको इसमें ऐड कर देना है, मतलब इमेज की भी वेलोसिटी इधर जाएगी, अगर वेलोसिटी इधर जा रही है तो ये भी इधर जाएगी, मतलब सिर्फ ये इसमें सिर्फ ऐड होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और ये इधर कुछ 2 m/s के स्पीड से जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये इंक्लाइंड वे में भाग रहा है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कुछ इस पर है कि ये 3i कैप है, मान लीजिए ये 4i कैप है, 4j कैप है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो इमेज होगी, इमेज इमेज होगी, तो उसके उसकी कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आपको ये जो होगा, ये वाला ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये -3i कैप, और ये 4j कैप, तो 4j कैप ही रहेगा, ठीक है। ये -3i कैप, ये 4j कैप, बट ये जो मिरर का जो आपका वेलोसिटी है वो इसमें सिंपली ऐड होगा, तो सिंपली ऐड होगा तो ये इधर आ जाएगा 2i कैप। सो इसका जो फाइनल बनेगा वो हो जाएगा 4j कैप, और ये -i कैप, ठीक है। ये इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्ट का हो गया, मिरर का हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और दो एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा ताकि इस पे कोई क्वेश्चन में गलतियां ना हो। देखिए एक क्वेश्चन है,
इसमें थोड़ा रिलेटिव आपको निकालना होगा। ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर इस तरफ से बी स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर ये यू स्पीड से इधर आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज है और इमेज इमेज की भी स्पीड जो है, इमेज की स्पीड भी वो इधर टू बी स्पीड से आ रही है, टू बी स्पीड से, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है यू स्पीड से और इमेज इधर टू बी स्पीड से आ रही है और जो मिरर है वो भी इधर बी स्पीड से आ रही है। यहाँ पर कई सारे स्पीड्स हैं तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको पता है कि ये सब मेरी दी हुई क्वेश्चन है, हमें बस इमेज को उल्टा इमेज ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको इमेज में इधर लाना है इस तरफ, तो ये यू हो जाएगी, ठीक है यू, और ये यू हो गई और ये टू बी हो गई और यहाँ पर बी है, तो आप देख सकते हैं इमेज में तीनों जो स्पीड्स है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यानी कि तीनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि हम लोग इमेज की जो स्पीड अगर देखा जाए तो वो हो जाएगी यू प्लस थ्री बी, हो जाएगी यू प्लस थ्री बी, ओके। और लेकिन अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी कि वी आई ओ, ये भी पूछा जा सकता है, उधर शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वी आई माइनस वी ओ करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो आई है ये एक्चुअली पूरी माइनस में, क्योंकि आई की डायरेक्शन इधर है, तो इसमें ये हो जाएगी इक्वल टू माइनस u माइनस थ्री वी, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, और उधर माइनस वी ओ जो है वो है u, तो ये हो जाएगी u, तो यानी टोटल आंसर हो जाएगी माइनस टू यू माइनस थ्री वी, ओके। सो दिस इज वेलोसिटी, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वेलोसिटी का खेल होता है खत्म, आप इस तरह से पूरी कर सकते हैं, इसको सिंपली इसमें ऐड करना है मिरर को, सिंपली इमेज में ऐड करना है मिरर के स्पीड को और ऑब्जेक्ट के स्पीड को मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में करके ऐड करना है, बस आपको इमेज की सारी स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो होप करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। प्लेन मिरर से इससे क्वेश्चन आ सकता है, या दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या है, जैसे कि अगर आप देखें ये प्लेन मिरर है, यहां पर कोई लाइट रे फॉल करी, यहां से ये वापस नॉर्मल, ये थीटा, ये भी थीटा, तो देखिए बेसिकली ये जानी कहां चाहिए थी, यहां, लेकिन गई कहां, तो ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये वाली पूरी, ये पूरी जो एंगल है ये 180 डिग्री बनेगी और ये थीटा थीटा टू थीटा है, तो उसको अगर माइनस करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल आएगा इक्वल टू 180 माइनस टू थीटा, ओके। सो एंगल ऑफ डेविएशन ये आ जाएगा। इसमें कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे एक सवाल बन सकता है इसमें कि जैसे देखिए यहां पर दो मिरर रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर ये दो मिरर है, सॉरी यार, अब हुई क्या कि यहां से एक रे फॉल करी, यहां से एक रे फॉल करी यहां पर इस पॉइंट पर, अब ये क्या हुई कि ये रिफ्लेक्ट हो गई इस पॉइंट पर,
ठीक है। पी ए जानी चाहिए थी किधर, इधर। एंगल ऑफ डेविएशन किधर हुई, ये वाले, इसको आप लिख सकते हैं डी वन, और फिर यहां से ये वापस इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये भी थीटा 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 थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये जानी चाहिए थी यहां, लेकिन रिफ्लेक्ट रहा हुई यहां, यानी डी टू, डी वन डी टू, ठीक है। ये जो है इसमें नेट डेविएशन का कभी कभी सवाल बनता है, क्या बनता है, नेट डेविएशन, ओके। तो नेट डेविएशन क्या होता है, डी वन प्लस डी टू, ठीक है। तो ये निकालना रहता है कभी कभी, ठीक है। इधर लाइट नहीं आ रही थी, मैं इधर दिखाता हूँ, ठीक है। तो डी वन, तो डी वन क्या हो जाएगी, 180 माइनस टू थीटा, ओके। डी वन इक्वल टू 180 माइनस टू थीटा। अब देखिए ये हुई थीटा, ठीक है, ये 90 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस, ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा, ओके। क्योंकि देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली जो एंगल होगी, ये 90 माइनस थीटा होगी ना, ये वाली एंगल 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा का ही अल्टरनेट एंगल ये है, ये वाली जो थीटा टू जो है, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे, पहली वाली हो जाएगी 180 माइनस टू थीटा, जो हमने फॉर्मूला पिछले वाले में देखी थी कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस टू थीटा, ओके। और फिर 180 माइनस टू थीटा, और ये टू जो हो जाएगी, 180 माइनस टू इंटू 90 माइनस थीटा, ओके। तो ये हो जाएगी 180 माइनस 180 प्लस टू थीटा, ये हो जाएगी टू थीटा, ओके। कितनी हो जाएगी, टू थीटा। सो अब डी वन प्लस डी टू करेंगे, डी वन प्लस डी टू करेंगे तो 180 माइनस टू थीटा प्लस टू थीटा, ये कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, ये आपकी होगी नेट डेविएशन, ओके। तो इस तरह आपका डेविएशन का सवाल बन जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं, आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एंगल, ये एंगल की वैल्यू कितनी है, उसको 180 माइनस टू थीटा करने से डेविएशन आ जाएगा। और कितनी भी रिफ्लेक्शन हो रही हो, मतलब दो रिफ्लेक्शन तीन रिफ्लेक्शन, आपको डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री करके ऐड करके आप उसकी नेट डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और एक तो इसमें पॉइंट आता है, एक और क्वेश्चन बनती है इसमें, पूछी जाती है जनरली कि अगर इंसिडेंट रे को आप, ये मान लीजिए कि इंसिडेंट रे है कहीं पर, इंसिडेंट रे को आप थीटा, ये इंसिडेंट रे को आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और इस मिरर को अगर आप थीटा एंगल से घुमा देते हैं, यहां पर आगे मिरर, पहले यहां पर थी, अब ये थीटा एंगल से घूम गई, और इंसिडेंट रे को आपने वही रखा हुआ है अभी भी, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, पहले क्या थी, पहले ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी, अब ये किधर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो टू थीटा के टर्म्स में चेंज होगा। मतलब कि आप नोट कीजिए, इफ द इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे चेंजेस बाय टू थीटा, ओके। सो यहां डेविएशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो आई थिंक कि प्लेन मिरर में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और बनेंगे तो इसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स जनरली यहीं पर है, और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में एक सिंपल चीज देख लीजिए, ये अगर एंगल बिटवीन मिरर्स अगर थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ बिटवीन मिरर्स अगर थीटा, और इसको हम लोग
360 बाय थीटा से डिवाइड करते हैं, एन इक्वल टू 360 बाय थीटा। एन एक टर्म है जिसको देखना पड़ेगा हम लोग को निकालने के लिए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। ये प्लेन मिरर्स के लिए है, तो अगर इवन है, ये अगर इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी वो एन माइनस वन होगी, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस होगी एन माइनस वन। अगर ये जो है ऑड होगी, ऑड में फिर दो बातें आती हैं, ऑड में फिर दो बातें आती हैं कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो वहां पर n माइनस टू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, n माइनस टू, n जो होगी वो n माइनस टू। और अगर नॉन सिमेट्रिक है तो n जो होगी वो n के बराबर होगी। ये भी क्वेश्चन, ये भी कुछ चीजें हैं जो कि आ सकती है, बट ये उतनी जरूरी नहीं है, तो प्लेन मिरर्स यहाँ पर ही खत्म होता है, ठीक है। हाँ, प्लेन मिरर्स का यूज आता है अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखना हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में प्लेन मिरर्स का यूज आता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाय बाय गाइस। और हाँ, अगर अभी तक के प्लेन मिरर्स के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, और मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं अपने डिटेल्स डाल दूंगा, और आगे हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। हम लोग ने काफी टाइम निकाल के ये नई चीज शुरू की है, हम लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल लाइक कमेंट शेयर अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।